बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अफजाल अरशद आपके साथ कौन फूड्स के ऊपर। आज हम बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाने वाले हैं। सिरी आपने बहुत ज़्यादा खाई होगी, बकरे की, छतरे की, भेड़ की, किसी भी चीज़ की, लेकिन उसको रोस्ट करके कम खाया होगा आपने या कम देखा होगा। तो सिरी को जब मुकम्मल रोस्ट किया जाता है तो इसका जो टेस्ट होता है स्लो कुकिंग के अंदर, जो इसका फ्लेवर आता है ऊपर से, जो इसका बाहर वाली क्रिस्पी लेयर अंदर सॉफ्ट, वो एक नेक्स्ट लेवल है। और इसको हम उसी तरीके से आज बनाएंगे। इसको आप शहनशाही डिश भी कह सकते हैं कि जो बेहतरीन डिश सर्विंग के अंदर जो है, बेहतरीन खाना जो है वो सिरी को रोस्ट करके सर्व किया जाता है। मुख्तलिफ आपने शायद ड्रामों के अंदर भी देखा हो जो सीरीज चल रही हैं। तो आज हम ये सिरी ही पकाएंगे, इसको रोस्ट करेंगे तंदूर के अंदर, जो हमने तंदूर बनाया उसी के अंदर। तीन सिरियाँ हैं इधर मेरे पास जिनको अच्छी तरह साफ़ किया गया है। साफ़ करने से मतलब क्या है कि इनको आपने इनका मुंह खोल के अच्छी तरह पानी डालना होता है और ये जो खुराक वाली नली है इसको साफ़ करना होता है, खून साफ़ करना होता है इसके अंदर। इसके साथ कोई मसाला नहीं लगाया जाता इसको मैरिनेशन के लिए, बस इसको जो है नमक लगाया जाएगा और नमक वाले पानी के अंदर इसको छोड़ा जाएगा मैक्सिमम टाइम के लिए, मैक्सिमम 24 घंटे, ताकि इसको दोबारा से नमक या किसी मैरिनेशन की ज़रूरत ना हो और एक दफ़ा धो भी लिया जाए, क्योंकि नमक जो है वो एक बड़ी अच्छी सफाई हो जाती है, उसे ब्लड वगैरह सारा निकल जाता है, कलर भी इसका सफ़ेद हो जाएगा। तो करना आपने क्या है, ये तीन सिरियाँ हैं और एक का जो है वो मगज़ निकाला हुआ है इधर पहले से, बाकी जो दो हैं उनका मगज़ इनके अंदर ही है। ये देखें, ये मगज़ वाला पोर्शन होता है। ये वीडियो मैं इसकी शेयर भी करूँगा, इस सिरी को खाल वगैरह उतारने और इसको मुकम्मल बनाने तक की। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बर्तन ले लें, उसके अंदर पानी ले लें, अगर बड़ा हो तो सबसे बेहतर है, या छोटे छोटे दो भी हों तो उसके अंदर हमारी आ जाएंगी। इसके अंदर आपने ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर नमक डालना है, जैसे एक के अंदर मैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून नमक डालूँगा, ताकि ये ब्राइन अच्छी तरह हो जाए। इधर ये इधर चला गया और ये बाकी का जो है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको कर देना है आपने मिक्स अच्छी तरह। ये आ गया आपके पास नमक वाला पानी, ये नमक अच्छी तरह हल हो जाना चाहिए। और जो नमक मैंने यूज़ किया है वो रॉक सॉल्ट है, वो आयोडीन वगैरह नहीं है, जो रॉक सॉल्ट है उसका जो फ्लेवर इस तरह की रेसिपीज़ के अंदर वो ज़्यादा बेहतर आता है। अलग अलग डालने की बजाय मैंने एक पतीला ही ले लिया है, तो इसके अंदर हम डाल के ये नमक वाला पानी जो है इसके अंदर ही डाल देंगे। उससे क्या है कि एक ही बर्तन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इसको हमने गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ्रिज के अंदर रखना है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये देखिए, अब ये नमक वाले पानी के अंदर आ गई हैं और इनको आपने इसी तरह रहने देना है, कुछ भी नहीं करना, ये सिंपली इनको इसके अंदर रख के फ्रिज के अंदर रख देना है। तकरीबन जी कोई 3-4 घंटे गुजर चुके हैं इनको इस पानी के अंदर पड़े हुए। अब आपने क्या करना है कि एक नया ब्रश ले लें बिल्कुल। अच्छा, ये वाले जो पोर्शंस हैं ना, यहाँ पर आपका हाथ नहीं जा पाएगा अंदर, तो ये ब्रश जो है वो अंदर अच्छी तरह जा सकता है। और इससे आप क्या करें कि अंदर कोई अगर इसके कुछ हो तो वो निकल जाएगा, मतलब कि कोई भी अगर अलाइश वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ हो तो वो निकल जाएगी। इसी तरह इसके मुंह के अंदर क्या, आप इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें, इसी तरह इसके नथने इसको इस ब्रश से आप साफ़ करेंगे तो इनके अंदर अगर कोई इस तरह, ये देखें अंदर चला जाएगा ये, और इसको इसी नमक वाले पानी के अंदर डालते हुए ये देखें बिल्कुल अंदर तक इसको साफ़ कर लें। असल में ये ऊपर वाला मांस ही खाया जाएगा इधर से, या इसका जो नीचे तालू होता है, बाकी ये जो पोर्शन है इसको वैसे ही फेंक दिया जाता है दिमाग के अलावा। तो वो कटिंग भी इसकी इंशाल्लाह एंड में देखेंगे, उससे पहले इसको अच्छी तरह आप साफ़ कर लें। इसकी खुराक वाली नली, इसके अंदर भी आपने ये ब्रश जो है उसको इस तरह डाल के ये देखें, ये अंदर तक चला जाएगा, इसको साफ़ कर देना। ये आगे ये देखें इधर कहाँ से निकल रहा है, गले के अंदर से। तो ये खुराक की नाली जो है, अगर इसके अंदर कुछ होगा तो ये भी अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा इस ब्रश से। तो इधर देखें जी, इनको धो लिया अच्छी तरह, अब देखें कि इनके ऊपर ब्लड वगैरह कोई भी नज़र नहीं आ रहा, अच्छी तरह ये साफ़ हो चुकी हैं, ये देखें। अब इनको हमने लगाना है इस सीख के ऊपर, तीनों को हम एक ही सीख के ऊपर पकाएँगे और तंदूर के अंदर पकाएँगे। तो करना आपने ये है कि इसको हम गुजारेंगे इस सिरी के सर में से नीचे तक, इस तरह इसको आपने गुजार देना और ये नीचे से निकल आएगा इस तरह, और इसको हम ऊपर कर देंगे। तीनों को इसी तरह इसके ऊपर लगा लेना ताकि तंदूर के अंदर हम इसको रख सकें। बस ये ख्याल रखना है कि इसके मगज़ के अंदर ना जाए, मगज़ जो है वो यहाँ होता है पीछे, यहाँ नहीं होता, तो आप इसको इस यहाँ से गुजार सकते हैं बड़ी आसानी से। तो
रोस्ट होने के लिए बेहतरीन तैयार हैं। तो इसको लेके चलते हैं अब तंदूर के अंदर। इधर मेरे पास जो तंदूर है वो गैस वाला तंदूर है, इसका ओवरव्यू मैंने दिया हुआ है, इसकी पूरी वीडियो भी बनी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, किसी ने देखनी हो तो वो देख सकता है। मेरे पास ये नमक है, नमक वाला हमने मैरिनेशन इसकी की हुई है पहले, लेकिन क्योंकि मैंने 4 घंटे के लिए इसको रखा है, आप अगर 24 घंटे के लिए रखें तो फिर आपको नमक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी इसको थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर नमक स्प्रिंकल कर दूंगा ताकि वो जैसे जैसे पके तो इसके अंदर जज्ब होता जाए, बस ज़्यादा नहीं वरना ये ज़्यादा नमकीन हो जाएगी। और इसको जो है हम ले जाएंगे इस तंदूर के अंदर, ये लें जी, और इसके अंदर इस तरह रखेंगे कि इसको हम जब घुमाएं तो ये इस तरह घूमती भी रहे, ये देखें इस तरह, और ज़बरदस्त ये पकती भी रहे, और ये जो तंदूर है उसके साथ टच भी ना हो वरना ये जल्दी जलेगा। और इसके वो जो है इसके ऊपर हम तवा भी अगर रखना चाहें तो इस तरह हम रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आग ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि इसको हमने एज ए ओवन एक्ट करवाना है, तो इसके ऊपर हम तवा रखेंगे तो ऊपर उधर से जो इसका ऑक्सीजन वाला जो जो पाइप है या जो इसका सुराख है उसको हम बंद करेंगे तो आग पूरी ऊपर की तरफ उठेगी फिर, और इवनली इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा और ये ज़बरदस्त पक जाएंगे। तकरीबन आधा घंटा गुजरा है इधर, और इधर देखें अंदर कि ये जो सिरियाँ हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है इधर पक रही हैं, तो इसको जो है मैं आपको निकाल के एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें किस तरह जो है कलर आ रहा है, ये देखें, ये इधर पीछे से देखें, और एक लाइन में लगी हुई है, तो आप नीचे वाली का कलर देखें और ऊपर वाली का देखें, एग्जैक्टली बराबर पक रही हैं ये। इस तंदूर के अंदर ये पानी भी रख रहा हूँ मैं, ये पानी रखने से क्या होगा कि इसके अंदर स्टीम जनरेट होगी और ये जो अकड़ेंगी नहीं, ऊपर से जो गोश्त है वो अकड़ेगा नहीं, वो नरम रहेगा, इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर आप पानी भर के रख दें। और दूसरा काम ये है कि ऊपर से जो इसका जूसेस वगैरह गिरेंगे वो भी इसके अंदर गिरेंगे और दोबारा से स्टीम बनती रहेगी और नीचे नहीं गिरेंगे। नीचे गिरने से क्या होता है कि हमारी लोहे की प्लेट है अंदर तो धुआँ बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप इसको पकाते हैं और आपका मीट आपको लग रहा है कि ज़्यादा खुश्क हो रहा है तो आपने इसके ऊपर पानी ऊपर शॉवर से डालते रहना है, तो वो भी एक अच्छा तरीका है, टिप है। ये जो हमारी सिरियाँ हैं इनको हम अंदर डाल देंगे और दोबारा से ये तवा हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि दोबारा से हीट जनरेट शुरू होना शुरू हो जाए। अब इसको इसी तरह, और आग है हल्की, बहुत हल्की आग है, मतलब तंदूर के अंदर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसके अंदर हल्की आग है। कोयले अगर आप जलाते हैं तो उन कोयलों को आपने अच्छी तरह आग ख़त्म करने देना है, कोयलों को एक साइड पे कर देना है और दूसरी साइड पे आपने सिरियाँ लगानी है ताकि हवा की वजह से पकें, डायरेक्ट हीट की वजह से ना पकें। एक घंटा और गुजर चुका है इसको पकते हुए, एक दफ़ा आपको कंडीशन दिखा देते हैं किस तरह की कंडीशन है। ये तवा मैं ऊपर से उठा रहा हूँ और इसके अंदर ये देखें जी, और ये जो है ऊपर से क्रिस्पी हो रहा है, ये अंदर से सॉफ्ट रहेगा, ऊपर से जो है इसके ऊपर क्योंकि एक फैट की लेयर है तो वो क्रिस्पी हो जाएगी और ज़बरदस्त बेहतरीन गोश्त हो जाएगा, और ऊपर तक देखें सेम कलर आ रहा है। तो इसको तकरीबन एक घंटा और देंगे हम ताकि ये गोश्त जो है वो और अच्छी तरह गल जाए और अंदर तक पक जाए सारा कुछ, क्योंकि इसके अंदर हीट अब जाना शुरू हुई है, बाहर से तो अच्छा कलर आ गया, तो अंदर जब इसकी हीट जाएगी, इसका मगज़ पकेगा, फिर जो है ये अच्छी तरह तैयार हो जाएगी। तकरीबन जी 3 से 3.5 घंटे गुजर चुके हैं और इधर हमारी जो सिरियाँ हैं वो पक रही हैं ज़बरदस्त, हमारी नहीं है, है तो बकरे की लेकिन पकाई हमने, तो इनको जो है इधर निकालते हैं। अब क्लोजली इधर देखें तो सिज़ल आ रही है, जो इनका पानी जूसेस जो हैं वो नीचे निकलते हैं उनकी वजह से सिज़ल आती है, तो इनको जो है मैं इधर से निकालता हूँ। ये देखें शक्ल देखें और इधर देखें, ये इधर देखें कि कैसे सिज़ल हो रही है बेहतरीन, इसका जो फैट है वो मेल्ट होके ज़बरदस्त जो है इधर पक रही है, और ये पक चुकी हैं मेरे ख्याल से, तो पक चुकी हैं। एक खोल के देखते हैं इनमें से, अब इसमें से सिरी निकालेंगे और उसको फिर खोल के देखते हैं। ये इसके अंदर से जो है वो ज़बरदस्त हीट निकल रही है, तो लग रहा है कि ये बेहतरीन पक चुकी है।
तो ये देखें जी, उसमें से जो हमने मांस अलग किया है तो ज़बरदस्त है। इसके अंदर कुछ हड्डियाँ जो खाते वक्त अलग की जा सकती हैं, ज़ुबान है जिसमें से मैंने कुछ टेस्ट किया है। और यकीन करें कि 4 घंटे सिर्फ इसको ब्राइन में हमने रखा है, लेकिन इसका जो टेस्ट है गोश्त का अपना ही इतना आला टेस्ट है कि ज़बरदस्त है। आग के अंदर पकते हुए जो है बेहतरीन फ्लेवर आया। अब जो है ये थोड़ी बड़ी है, इसके अंदर ब्रेन भी है इसका, तो इसको खोलते हैं। इधर एक चोट लगाएंगे, ये इस तरह खुल जाएगी। दूसरे नंबर पे एक चोट इधर लगानी है मगज़ के ऊपर, ये देखें इधर लग जाएगी, इसको खोलना आसान हो जाएगा। फिर जो है उल्टा कर लेना है, इस हड्डी को काटना है क्योंकि ये यहाँ से जुड़ी होती है, जबड़ा अलग नहीं हो सकता। तो इधर से इसको काट लेना है और फिर इसको इधर करके इधर से काटना है ताकि इन दोनों को हम अलग कर सकें। ये देखें तो ये इधर से हड्डी कट गई है। अब इसको मैं खोलता हूँ, इधर से खोल के आपको दिखाता हूँ। और ये ऊपर से जो है ये क्रिस्पी है, आपको आवाज़ भी आएगी इसके जो क्रिस्प है उसकी, इसको खुलते हुए। ये देखें अंदर, देखें अंदर से सॉफ्टनेस और किस तरह गर्म है ये। और ये जो है सबसे पहला काम है कि ये आपने जबड़े निकाल देने। ये देखें कोई मांस नहीं रह गया, हड्डियाँ अलग हो गई बिल्कुल। किस तरह बेहतरीन पका हुआ है। तो इसको जो है आपने इधर से इकट्ठा कर लेना और इसको इस प्लेट में रखते जाएंगे। आँखें हैं, ये आँखों वाला हिस्सा, ये देखें ये निकल जाएगा बिल्कुल अंदर से, ये पूरी आँख है, इसको आपने निकाल लेना। इसी तरह और ये देखें, ये गोश्त, ये खाने वाला नरम गोश्त है। देखें किस तरह पका हुआ, नरम मुलायम और बेहतरीन है। तो जी इसको गरम गरम ज़रा टेस्ट करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा, पंखा भी चल रहा है लेकिन पसीना बहुत आ रहा है। तो इसको टेस्ट करता हूँ, बहुत बेहतरीन, सॉफ्ट। ये भी हड्डी बची है, इसके साथ सिर्फ आँख है और कुछ भी नहीं है, तो इसको भी हम साइड पर करा रहे हैं। और ये जो पूरा हिस्सा है इसको भी नहीं खाया जाता, इसको आपने इसी तरह जो है इसके ऊपर जो गोश्त है इधर साइडों पे वो उतार लेना, बाकी जो है इसको इसी तरह पूरा साइड पे कर देना। अब आपके पास जो बचेगा वो ये चीज़ें हैं, इनके अंदर भी कोई हड्डी वगैरह हो तो आप निकाल दें बाद में खाते हुए। बाकी जो है इसके साथ पूरा ये ज़बान है, ज़ुबान के साथ गालों का पूरा गोश्त है और बेहतरीन जो नरम गोश्त है सारा वो इसके साथ। और इसको जो है आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि कोई भी बंदा जो सिरी नहीं खाता ना पहले, उसको आप ये एक दफ़ा खिलाएं, इसका जो टेस्ट है, जो बंदा बलोची सज्जी खाता है ना या उसने खाई है तो उसको पता होगा कि इसका टेस्ट किस तरह का बेहतरीन होगा। हर हिस्से का अलग टेक्सचर और अलग टेस्ट है। अल्लाह पाक ने ऐसा इसके अंदर टेस्ट रखा है कि इसको आप इस तरह रोस्ट करके खाएँ तो इसका जवाब ही कोई नहीं है। तो ये रेसिपी थी सिरी की, अभी ये एक बाकी है तो इसको मैं खोल लूँगा, इसको बल्कि उतार लेते हैं। तो जब सर्व करना होगा तो इसको हम तब खोल लेंगे। आप इसी तरह भी इनको रख सकते हैं और जब आपने यूज़ करना हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।